लॉन्च हो रहा है, मतलब गाना ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और मैं देख चुकी हूँ। इट्स अ लवली सॉन्ग, रोमांटिक, बहुत क्यूट। मतलब गाना देखने के बाद ही मेरा ऐसा रिएक्शन था, आई एम सो क्यूट, सो या आई जस्ट लव द सॉन्ग। सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसने गाना देखा, मुझे फ़ोन किया, गाना बहुत अच्छा है, तो वी आर प्लानिंग ए सॉन्ग सिंस लॉन्ग, तो फिर हमने एक गाना प्लान किया, वी आर लिविंग फॉर गोवा टुमारो की पार्टी। सो या जतिन सूरी अभी मैम आने वाले हैं, गुरपी को चड्डा मैम, जिन्होंने जतिन से मिलवाया मुझे और हमने गाना किया, गाना बहुत अच्छा बना है। बाकी आप देख के बताओ, बहुत सारा प्यार दो उसको। ऑडियंस की तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं अगर उस बारे में कुछ बताएं? यार लोगों को गाना बड़ा पसंद आ रहा है, ऑर्गेनिकली चल रहा है और बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं और मैसेज तुम्हारे स्पैम हो रखे हैं एकदम से। बाकी आप लोग बताना, दो तीन दिन लगते हैं इसकी एक रिपोर्ट आने में, अच्छे रिव्यूज़ हैं। सर मायशा का बर्थडे भी है और आज ही आपका गाना मतलब रिलीज़ भी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मायशा 3 साल की होगी, उसका पहला बर्थडे बॉम्बे के अंदर, मम्मा उसकी कहाँ पे, मम्मा आज बर्थडे कल भी है मायशा, बर्थडे कल बुलानी मुश्किल है। ये नहीं ना क्या आया, बहुत प्यारा गाना है, आशीष जी ने गाना प्रोड्यूस किया है, आशीष जी मेरे लेबल पे, हमारा जो लेबल है उस पर 2-3 गाने कर चुके हैं इससे पहले, तो मैं मेरे लिए ही बनाया है अबराज खान के साथ में, दैन ख्वाब गाना आया था पिछला, अभी ये आया है। सो थैंक्स टू आशीष जी जो बार 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 मतलब जुड़ते हैं और अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस करते हैं, आई होप ये ऐसे ही आगे चलते रहे। आशीष जी आज गुजरा जमाना और बच्ची का बर्थडे भी है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों सुपर डुपर है मेरे लिए, तो क्योंकि मेन मायशा का बर्थडे, मायशा के बर्थडे पे हमने गाना रिलीज कर रहे हैं, दोनों सेलिब्रेशन एक साथ, दोनों सेलिब्रेशन एक साथ, धमाल है ये, धमाका है। इसकी ऑलरेडी मतलब कितने लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, सेलिब्रिटी है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी इज सच अ क्यूट बेबी, मैंने विश किया और जैसे कि गाना भी लॉन्च है एंड इट्स हर बर्थडे ऑल्सो, तो वी आर गोइंग टू पार्टी हार्ड। अभी तो आपका गाना आ चुका है, दर्शकों को आपको प्यार मिल रहा है, आगे क्या कुछ आपके प्लानिंग है? इट्स नॉट माय सॉन्ग, इट्स जतिन सॉन्ग एंड देयर इज अनदर गर्ल, बट वी आर लीविंग डे आफ्टर टुमारो फॉर गोवा एंड आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद हिम। पता है कि ये इतनी खूबसूरत है और इतनी वेल ड्रेस होके आती है कि लोगों को लगता है कि इसी का गाना है। हाँ, हम गाना कर रहे हैं। हाँ, इस गाने में ये नहीं है। उसके बारे में आई थिंक आई कांट रिवील मच नाउ, बट दिनेश जी अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, उसका नाम बता सकता हूँ, दक्षिण दिल्ली या साउथ दिल्ली की गर्ल के ऊपर गाना है एंड शी इज द गर्ल फ्रॉम साउथ दिल्ली। I'm a South Delhi girl playing, but I'm a Bengali girl, but I look like a South Delhi girl, right? Yeah. So. दिनेश जी के वो मैं बहुत पहले से जानता था और हमेशा वेट कर रहा था कि ये ही मुझे ब्रेक देंगे और इन्होंने आज वो दिया, बिकॉज ऑफ जी के सी, मतलब माई मदर यहाँ पे, मेरी मतलब मुंबई में एक ही मेरी मॉम जैसी बनी हुई है, वो है जी के सी गुपी को चड्डा, उन्होंने रिकमेंड किया था दिनेश जी को एंड दिनेश जी ने बिना सोचे समझे मेरे को लॉन्च के लिए नहीं, मैंने सोचा समझा नहीं, ये बड़ा डिजर्विंग है भाई, बहुत एक्टर है ये और अभी इसने रेस्टोरेंट भी खोल लिया या, मेरा अगर ये ध्यान दे एक्टिंग पे अच्छे से तो मतलब कि स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गाय यार। थैंक यू। सो ये मेरा फर्स्ट ब्रेक है एज इन एल्बम एंड मैं टीवी शोज करता हूँ, देखा होगा आप लोगों ने निम की मुखिया मैंने किया, इस मोड से जाते हैं बाकी ETC एंड आशीष जी से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था ऑन सेट तो ऐसा नहीं लगा था मैं किसी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पहले मिले हुए, इनसे मिला मैं, होता है क्या यूजली होता है प्रोड्यूसर आया तो लोगों की थोड़ी हो जाती है, बट मेरी कभी नहीं हुई, मतलब फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेंडली प्रोड्यूसर होकर बस सेट पे आते हैं, पैसे देते हैं, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से, आएंगे विरार आएंगे शूटिंग वाली लोकेशन पे, पैसे देंगे, अच्छा ओके भाई। सोश आई अभी देखो ब्लश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे खड़ा कहाँ कर दिया इन्होंने। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? गुजरा जमाना ये गाना एक्चुअली 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, तो सबसे पहले आई थिंक गौतम विंसेंट और हरिचरण जी, आप सबको पता होगा जो सिंगर है, उन्होंने ये गाना मेरे साथ गाया है, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि उन्होंने अग्री किया ये प्रोजेक्ट गाने के लिए। सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ 2 साल पहले और हम लोग काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कि कहाँ कैसे शूट हो जाए एंड मेरा सबसे पहला जो म्यूज़िक वीडियो था वो भी इन्होंने ही शूट किया था, तो मुझे इन्होंने ही लॉन्च किया है और दूसरी बार भी मुझे चाहिए था कि यही मुझे करे, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर अगेन
एंड मैं आपको हरिचरण के बारे में बताना चाहूँगा। हरिचरण शेषाद्री जो गाने के सिंगर हैं अनन्या के साथ में, मतलब वो सिंगर हैं हमारे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। अभी एक फिल्म आई है ऐश्वर्या बच्चन की और साउथ की, काफ़ी अच्छी फिल्म है और म्यूजिक है ए आर रहमान का, तो ही इज़ लाइक बिग गाय इन साउथ, हरिचरण शेषाद्री जी। तो उनके साथ ये हुआ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे पेरेंट्स आज नहीं है, मेरे चाचा चाचू है यहाँ पे, सो माई फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। कुछ भी हो, दे हैव ऑलवेज बीन देयर कि हाँ करो ये, एंड आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, योर फैमिली सपोर्ट। एंड हाँ, उसकी वजह से वी आर हियर टुडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप गाना सबको अच्छा लगे। या एक चीज़ बहुत अच्छी है, गाना बहुत प्यारा है, आप लोग एक बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुनते ही हाँ कर दिया। मेरे को भी बहुत सारे गाने आए हुए थे इन लाइफ, तो मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि अच्छा ब्रेक चाहिए था। मैंने भी हाँ कर दिया, सो सच में गाना मैं गाना करूँगा। नहीं नहीं दिनेश, शूट इतना अच्छा किया है ना, आप देखोगे गाने को ना, सीरियसली अमेजिंग है वो, नेक्स्ट लेवल। ये सारी आपकी सपोर्ट थी? नहीं बिल्कुल, जब हम शूट करते हैं स्पॉट लोकेशन जहाँ पर शूट बहुत कम होते हैं, ऐसे जगह पे पहुँचाना हमें, सब चीज़ बेस्ट प्रोड्यूसर आई एवर मेट। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ गुजरात जमाना, बिकॉज मैंने आज गाना देखा, बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया है दिनेश सोई जी ने, एंड पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रोड्यूसर आशीष जी को और जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हैं। अनन्या सांके बच्ची का फर्स्ट सॉन्ग है, सो ऑल द बेस्ट टू हर ऑल्सो, एंड मेरे दिल के बहुत करीब मेरे बच्चे जैसा जतिन सूरी जिसने फीचर किया है इस गाने में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई डियर डियर ब्रदर दिनेश सोई जी फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू जतिन, स्पेशली दिनेश जी का लिए फेमस है इंडस्ट्री में कि वो नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी उन्होंने कुछ नया करना होता है तो एक बारी गाइडेंस लेते हैं कि किसको आप चाहते हो प्रमोट करना, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे? भाई गुजरा ज़माना जो होता है हमेशा खूबसूरत ही होता है, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई गाना हो तो भी खूबसूरत ही है। मैंने सुना हो गाना, एंड जतिन इज़ अ बड़ी एंड दर्शन सोई जी इज़ अ ब्रदर, और ऐसा लगता है घर का ही प्रोडक्ट है एंड खूबसूरत प्रोडक्ट है। आई विशिंग कि अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिले, और आई एम श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा। अलग तरह का गाना है, सॉफ्ट रोमांस है, रोमांस और यंग रोमांस हमेशा हर किसी को पसंद आता है, और जब अच्छी तरह से फिल्म आ जाए, क्लीनली तरीके से दिखाया जाए तो अच्छा ही लगता है। इस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं दिनेश जी के साथ, प्रोफेशनल फैमिली दोनों तरह का बॉन्ड है, और उनकी बेटी का आज थर्ड बर्थडे है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। देखिए गाना सभी लोगों का एक वीक पॉइंट होता है, और ये टाइटल ही इतना कमाल है, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, है ना, टाइटल में बहुत दम है। एंड जतिन और अनन्या इनमें एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन इन लोगों ने टैप किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चराइजेशन भी मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कमाल का डायरेक्शन में इनको अंजाम मिला है। वो एक वो जेस्ट होता है ना हर गाने में हिट होने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आई थिंक 2-3 मिलियन तो 15-20 दिन में ही हो जाए। वो गुजरा ज़माना जो है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ, और मैंने देखा ये सॉन्ग बहुत ही कमाल का सॉन्ग, पिक्चराइजेशन बड़ी कमाल की है, लोकेशन बहुत ही कमाल की है, और सभी ने बखूबी बहुत ही उम्दा काम किया है। एक बार फिर से मैं कुणाल सिंह राजपूत सभी को बेस्ट विशेस देता हूँ, एंड आई होप कि ऐसे ही अच्छा अच्छा काम हम सब मिलकर एज अ टीम आगे भी करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें। काफ़ी अच्छा सॉन्ग लगा, और सर ने प्रोड्यूस किया है, इतना अच्छा सॉन्ग था मैंने देखा उसको, और काफ़ी अच्छा गाया भी गया है गाना अनन्या के द्वारा, और जो सिंगर है उसमें बहुत अच्छा गाया हुआ है, तो आप सब भी जाएं और उसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैला दें ताकि उसमें काफ़ी सारे जल्दी जल्दी उसमें लोग देखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जितना बोलूँ उतना कम है क्योंकि सॉन्ग काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, और आशीष भाई इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, और दिनेश जी ने तो बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। वी आर अ टीम एंड सून वी आर गोइंग फॉर अ गुड मूवी प्रोजेक्ट टू यूके, विल लेट यू नो सून। थैंक यू।
अभी मेरा एक प्लान बन रहा है कुणाल भाई के साथ कुछ करने के लिए, और रिवील करेंगे बहुत जल्दी हम। और हमारा लंदन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमारा शरिया भाई भी है, हमारा ये भी हमारे एक्टर साहब हमारे बहुत ही है, अलीगढ़ से ये उभरते स्टार उत्कर्ष के साथ भी करते हैं सारे। पहले बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा बनाया और सर ने प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और मैं विश करूँगा कि आगे भी ऐसे म्यूजिक वीडियो करते रहें, एंड मुझे भी शायद चांस मिलेगा सर के साथ। ऑलरेडी कर चुका हो चांस, ऑलरेडी कर चुका दो गाने। बोलिए भाई, पहले शुरुआत मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छा है गुजरा जमाना, टाइटल बहुत अच्छा है एल्बम का, और उस हिसाब से सॉन्ग भी बहुत अच्छे होंगे, देखेंगे। हम भी अभी आए हुए हैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को भी और हमारे भाई साहब को आशीष जी को कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया एल्बम के नाम से। और एल्बम और आर्टिस्ट जो है अपने, उनका नाम क्या है भाई? अनन्या संकी शंके और जितिन, बहुत अच्छे बच्चे हैं। शायद ये पहला प्रोजेक्ट होगा, मगर बहुत अच्छा आशीष जी ने इसमें उनको इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा एक्ट किया उन्होंने। देखा नहीं, मगर देख लेंगे हम, आपके जरिए से भी देखेंगे। और हमारे भाई फिरोज भाई कुछ बोलेंगे, बहुत क्लोज है मतलब। सॉन्ग बहुत अच्छा फीचराइज किया है, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, हम लोग साथ में थे और दोनों ने एक्टिंग बहुत अच्छी, अभिनय जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। और इन फ्यूचर हम लोग साथ में मिलकर मूवी का भी प्लान कर रहे हैं, और विजय जी के साथ भी लंदन का प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा इंटरनेशनल मूवी शूट करने का प्लान है सर के साथ पूरा। आप लोगों ने देखी होगी अभी PVR रिलीज की थी टारगेट इंडिया, अब दूसरी का प्लानिंग है, बहुत जल्दी सामने आएंगे। और मेरे दोस्त हैं एक और विजय भाई, इनसे भी बहुत बोलिए मेरे दोस्त। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रोड्यूसर साहब को, जो एक्टर्स हैं उनको, डायरेक्टर्स को, पूरी टीम को, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शेरोज भाई ऑल्सो, एंड विजय जी को सारे आने वाले वेंचर्स के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। बस आप लोग की दुआ ब्लेसिंग से ही और आप लोग का हमेशा ऐसा साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Firstly, I would like to congratulate Dinesh sir. He is actually so good. He is like a visionary. He is so creative. And we've also worked together in a music video called DJ Bajande, which is doing wonders. It's getting so many millions of views, and I'm so happy about it. And he actually knows talent. You know, whenever he sees someone, he knows what he's doing. He knows what he wants. So it's a very great quality about sir, and I really respect him for that. So, and here we are for another music video launch. So, all the best to the whole team. I'm sure they've done like a wonderful job and good luck. And also, it's Maisha Soi's birthday today, who's Dinesh sir's daughter, and she's like this cute little baby. Ye gift bhi leke aayi uske liye. Tumhe kisne kaha tha gift lane ke liye? Yeah, gift. Come on, I mean, chote baby ka birthday, to matlab you have to get something for the kid, right? So it's just a small thing, nothing, just my love and best wishes for her. Dinesh sir to hai hi hamare liye ek blessing. So I am very excited for the music video and I'm sure it's going to be amazing, kyunki ye dono hai, ye mera bahut acha dost hai aur ye meri family hai. To main bahut khush hu ki ye experience in logon ne sath mein kiya aur sari family sath mein jud rahi hai. So main bahut excited hu jo reviews aayenge uske liye. So yes, it's going great. Yes, happy birthday. She's my little sister and I love her. और खूब 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 मज़े करें वो लाइफ में और आगे जाके और स्टार बने. हम अपनी जर्नी कर रहे हैं, वो भी आगे जाके स्टार बने. आई हैव हर्ड दिस म्यूजिक एंड इट्स अमेजिंग सॉन्ग एंड सीरियसली आई लाइक इट वेरी मच. बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है और जिनेश जी की बात आई तो उसमें तो कोई बोली तो रही नहीं थी. वो तो बहुत क्यूट है. आज मायशा का बर्थडे प्लस इनका गाना भी उसी दिन रिलीज हुआ. डायरेक्शन में दिनेश जी का कोई कंपटीशन नहीं है. सो यस, मेरे को छोड़ के कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. नो सीरियसली, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग. वैसे आपके नाम के बाद में साथ ही मायशा आपका बर्थडे है. First of all, I want to say a very, very happy birthday to Maisha, and
गाने का नाम है गुजरा जमाना और इनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा माशाल्लाह इतना ज़्यादा रॉक करते हैं और आई थिंक अभी तक ये सेंचुरी बना चुके हैं गानों की। हाँ, सेंचुरी होगी, हमने काम नहीं किया पता नहीं क्यों। यही बोलने वाले थे। दूसरी बात, इनको मैंने अभी भी इनवाइट किया, मगर किसान भी कहाँ हो तो एकदम से आए हैं। इन्होंने अभी रीड किया नाम गुजरा जमाना, बट आई एम श्योर ही विल लव द वीडियो, ही विल वॉच इट। बट आई थिंक गाना जो है वो गुजरा जमाना जैसा नहीं होने वाला है। गाना बहुत ही प्यारा है और आई थिंक जिस तरीके से आप सारी सभी गानों को सपोर्ट करते हो, प्लीज सपोर्ट दिस सॉन्ग आल्सो एज ऑलवेज एंड यू रॉक इट। आई डोंट, थैंक यू फॉर कमिंग। म्यूजिक वीडियो हमेशा अच्छे ही होते हैं क्योंकि आजकल म्यूजिक की चॉइस और म्यूजिक का कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि बुरा बनने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और अंदर जाके देखूंगा, अगर आप बाइट बाद में लेते तो मैं एग्जैक्टली बता पाता कि कैसा लगा म्यूज़िक वीडियो। लेकिन फ़िलहाल मैं जतिन को जानता हूँ, बहुत मेहनत की है इस लड़के ने, मतलब काफ़ी पुराना जानता हूँ और अच्छा लग रहा है कि जितने भी ये यंग टैलेंट हैं सब निखर के सामने आ रहे हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द होल टीम ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो और स्पेशली जतिन जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो देख के अगर आप रहे तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। जो बेटियाँ होती हैं ना उनका जश्न ज़रूर मनाया जाना चाहिए, चाहे बेटों का मिस हो जाए, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसके घर में एक बार बेटी आ जाती है ना तो उस घर में ज़िंदगी बदलती है और हमेशा ज़िंदगी अच्छे के लिए बदलती है। मतलब मैंने जितने भी अभी तक अपनी ज़िंदगी में उदाहरण देखे हैं, मेरे जितने भी दोस्तों के घरों में जब भी बेटी हुई है सब स्टार बने हैं, सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। सो पाजी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू पाजी।